यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो एंटीनेट का पेपर है दिसंबर 2022 वाला, तो वो शेड्यूल किया गया है कि फेब 2023 में जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जो है वो 21 फरवरी से अपना पेपर जो है स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए जो पेपर अभी होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो अभी एमसीक्यू सीरीज जो है वो चला रखी है हमने, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हम दो सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कर चुके थे, एक था अपना इंटरनेशनल बिजनेस का और एक अपना बिजनेस फाइनेंस का। और आज की क्लास में हम लोग जो एक नया सब्जेक्ट जो है उसको उसके नए सब्जेक्ट जो है अपना यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैंने लास्ट जो लेक्चर दिया था कल, उसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 आपको जो है वो सोल्व करना है, और ये सोल्व करने के बाद में फिर आपने जो है ये क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो सही क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों ने इसके ऊपर कमेंट किया और सबका आंसर जो एकदम करेक्ट है। करेक्ट आंसर जो था अपना वो है ये सेकंड, करेक्ट आंसर जो था इसका वो क्या था, सेकंड ऑप्शन था। ओके, जिसका सीक्वेंस बनता वो है 4123। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका लीज से रिलेटेड, किससे, लीजिंग से रिलेटेड। तो इसमें था टाइप ऑफ लीज दे रखा था, सबसे पहले था लीवरेज लीज। लीवरेज लीज जो है वो क्या होती है, ट्राइपरटाइट बोलते हैं, मैंने क्लास में करवाया था कि ये क्या है ट्राइपरटाइट। तो ट्राइपरटाइट लीज के अंदर बेसिकली जो तीन पार्टी रहेगा, एक रहेगा लेसर, एक रहेगा लेसी और एक रहेगा कौन, इक्विपमेंट सप्लायर, जिसको बोलते हैं हम लोग कौन, फाइनेंसर। तो ए का जो है वो तो हो गया था क्या आपका फोर्थ। फिर डायरेक्ट लीज जो वो कौन सी होते हैं, डायरेक्ट लीज जो मिक्स है किसका, ऑपरेटिंग लीज का एंड फाइनेंस लीज का, ऑन फुल पेमेंट बेसिस एंड प्रोवाइड फॉर परचेज ऑप्शन टू द लेसी, ये है आपका डायरेक्ट लीज। फिर इसके बाद में वेट लीज जो वो कौन सी होती है, वेट लीज का मतलब क्या होता है, जहां पे जो ये इसको बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। ये मैंने आपको करवाया भी था, यहाँ पे देखो ये वेट लीज हमने जो है डिस्कस किया था, जहां पे लेसर जो है वो क्या करता है, एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड करेगा और साथ में क्रू भी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे वेट लीज के अंदर बेसिकली क्या आएगा, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करेंगे, फाइनेंसिंग फॉर सर्विसिंग एंड फ्यूल इन द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। और अपडेट लीज कौन सा होता है, जिसके अंदर आप जो है वो टाइम टू टाइम पे जो है वो क्या करते हो, कोई भी अगर वेयर एंड टियर होता है उसको अपडेट कर लेते हो। तो अपडेट लीज का मतलब था यहाँ पे प्रोडक्ट लेसी अगेंस्ट द रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, तो ये था आपका अपडेट। तो इसका आंसर जो बनता है वो क्या बनता है, वो था आपका सेकंड ऑप्शन। ओके जी, चलो। तो ये जो बुक थी अपना बिजनेस फाइनेंस, इसके अंदर जो एमसीक्यूज आए थे वो सारे के सारे, मतलब जो अपना 2022 में जो एंटीनेट का पेपर हुआ था तीन अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है, मतलब 29 तारीख को हुआ था मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में, और फिर 14 तारीख को हुआ था आपका मॉर्निंग शिफ्ट में। तो वो क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो है जो हमारी ये नई वाली बुक है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से इस बार काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, और ओवरऑल मिलाकर के अगर मैं देखता हूं तो लगभग 32 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए कहां से, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से। तो उन्हीं क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है क्या, वो है ऑडिट से, और क्वेश्चन ये आया अरेंज द फॉलोइंग, ध्यान देना अरेंज द फॉलोइंग स्टेप, आपको इन स्टेप्स को क्या करना, अरेंज करना इन किसमें, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। जब कभी भी आप किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं तो उस टाइम पे आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, मतलब मैनेजमेंट ऑडिट का जो है वो प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो क्या है वो बताना है। तो मैनेजमेंट ऑडिट का एक प्रोसेस है, उसके अंदर कई सारे स्टेप है। सबसे पहला जो स्टेप मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर जो निकल के आता है वो है क्या, आप सबसे पहले जो है वो क्या करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो किसके, कि आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है। वहीं से पता चलेगा कि क्या कंपनी जो है या फिर जो बेसिकली मैनेजमेंट है क्या उन्हीं ऑब्जेक्टिव को एडहेयर कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहला काम तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को क्या, आइडेंटिफाई करना एंड सेग्रीगेट करना ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कर लिया। अब ये करने के बाद में अब आप लोग जो है वो क्या करेंगे, इसके बाद अब आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रिव्यू करते हैं, भाई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, लाइन स्टाफ ये सब आप देखते हो, तो फिर क्या आएगा बी। इसके बाद में अब आप जो है वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, मतलब किस डिपार्टमेंट का क्या काम है वो आप देखोगे, फिर आएगा ए। उसके बाद में रिव्यू करोगे परफॉर्मेंस हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे, बोले तो ई। एंड लास्ट में आप क्या करोगे, उनका रिपोर्टिंग करोगे, बोले तो सी। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी बी ए ई सी, बोले तो फोर्थ ऑप्शन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है इट कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, जब आप लोग जो है वो क्या करते हो, सेल में से वेरिएबल को उसको माइनस कर दो तो क्या आता है कंट्री, कंट्री में से माइनस करेंगे किसको, फिक्स कॉस्ट को, तो आएगा आपका क्या
EBIT, ध्यान है क्या, हमने पढ़ा भी था ये, यस सर। तो आपको जो है वो सिर्फ इतना बताना है, बोलता है कि जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है ये है बेसिकली, कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे निकलेगा सेल में से माइनस करेंगे जब किसको वेरिएबल कॉस्ट को, तो क्या निकल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, आप बताइए सर कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर इंक्रीज करना है तो या तो सेल वैल्यू को क्या कर लो, बढ़ा लो, सेल बढ़ा के भी अगर वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है तो सेल बढ़ा के आप कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हो, यस। या फिर आप वेरिएबल कॉस्ट को क्या करवा दो, कम, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो भी आप कंट्रीब्यूशन को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, यस। पढ़ते हैं सबसे पहला, इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हाँ जी बिल्कुल, सेलिंग प्राइस को क्या करके, इंक्रीज करके आप कॉन्ट्रीब्यूशन को जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, ओके। चेंजिंग द सेल्स मिक्सचर एंड सेलिंग मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फॉर विच पीवी रेशियो इज हायर, तो बिल्कुल सही बात है, आप अगर सेल्स मिक्सचर को थोड़ा सा क्या करो, चेंज करो और ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करो जिसका पीवी रेशियो क्या है, हायर, जिसमें प्रॉफिट वॉल्यूम जो है वो क्या है, हायर है। तो अगर प्रॉफिट वॉल्यूम हायर है, डेट मीन्स कि आपका सेल प्राइस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के मुकाबले क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो ऐसे भी आप जो है वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर सकते हो, यस। कीपिंग द मार्जिनल कॉस्ट अनचेंज, अनचेंज, अनचेंज नहीं सर, चेंज होगा तो और रिड्यूस होगी तो फिर बात बनेगी। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट, सर इसका लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि फिक्स एसेट का जो फिक्स एसेट की जो ट्रीटमेंट है वो कब आता है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद में आएगा। फिर डिक्रीज द सेलिंग प्राइस, सर अगर सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर देंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कम हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए एंड बी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस वुड मोस्ट लाइकली यूज द जॉब ऑर्डर पोस्टिंग, इनमें से कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको जिसके अंदर हम लोग जॉब ऑर्डर पोस्टिंग टेक्निक को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमने पढ़ा था प्रोसेस कोस्टिंग और जॉब कोस्टिंग, ये हमने पढ़ा था। तो जॉब कोस्टिंग जो है उसको यूज करते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर जॉब आती है, डेट मीन्स की एक जॉब दूसरी से जो है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, जैसे अलग अलग आपको ठेका मिला, ओके। तो जॉब कोस्टिंग को हम लोग कहां यूज करेंगे, ये ब्रूअरी हो गया, ऑयल रिफाइनरी हो गया, यहां पर हम लोग जो है प्रोसेस कोस्टिंग को यूज करते हैं। कंपनी डेट मेक द फ्रोजन पिज्जा, यहां पे भी नहीं आएगा। ए प्रिंट शॉप डेट स्पेशल द वेडिंग इनविटेशन, हां जी सर, यहां पे ये जो है वेडिंग इनविटेशन के जो कार्ड बनाते हैं, क्या हर कार्ड एक जैसा होता है या अलग अलग होता है, अलग अलग है सर। तो यहां पे हम लोग जो है वो जॉब पोस्टिंग टेक्निक को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी डज नॉट इंक्लूड द, एक कंपनी है वो इंक्लूड नहीं कर रही, डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं कर रही, वैल्यू ऑफ द स्किल गेन बाय द बाय इट्स एम्प्लॉई फ्रॉम, किसमें से, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक कंपनी जो है जो उसके, देखो एक कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही थी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए उसके जो एम्प्लॉयज थे उनकी जो स्किल है जो उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जो है वो गेन करी, उसको वो ना अपने उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो शो नहीं कर रही है। ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये बोलते हैं सिर्फ उन्हीं चीजों को आप लोग जो है वो क्या करेंगे, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग करेंगे जिसको आप मनी के तौर पे क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो स्किल जो गेन की है उसको मनी के तौर पे मेजर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई जो है इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक कंपनी डज नॉट इंक्लूड, कंपनी इंक्लूड नहीं कर रही क्या, द वैल्यू ऑफ द स्किल गेन बाय इट्स एम्प्लॉई फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज बीइंग अप्लाई, यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई है, तो वो है आपका कौन सा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो है वो क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से आप जो हमारे एम्प्लॉयज है जिन्होंने स्किल को गेन किया ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान उसको भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मनी के तौर पर हम मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बोलता है विच वन द फॉलोइंग राइट, इनमें से कौन सा ऐसा राइट है, इज यूजली नॉट अवेलेबल टू ए पार्टनर कंसिक्वेंट टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो कौन सा ऐसा राइट है जो एक पार्टनर को जो है वो नहीं मिलेगा। पहला राइट ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये तो राइट मिलता है सर। राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम और द प्रीमेच्योर वाइंड अप, बिल्कुल सर, अगर प्रीमेच्योर वाइंड अप हो गया तो उसको भी प्रीमियम जो है वो मिलेगा, यस मिलेगा। राइट टू बी कंसल्टेड, क्या कंसल्टेशन का कोई राइट होता है, नहीं, तो ये राइट जो है वो उसको अवेलेबल नहीं है। अगला भी देख लो, राइट टू डिस्टेन एनी पार्टनर और इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूज ऑफ द फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी, क्या वो मना कर सकता है कि आप कोई दूसरा पार्टनर या कोई उसके कोई रिलेटिव जो है वो अगर फर्म की प्रॉपर्टी या फर्म के नेम को यूज कर रहे हैं तो क्या उसके पास राइट है कि उनको मना कर सकता है, यस मना कर सकता है। तो ये जो है राइट टू बी कंसल्टेड, ये उसको कोई भी राइट नहीं है। आगे व्हेन द इनकमिंग पार्टनर, ध्यान देना, जब एक इनकमिंग पार्टनर जो नया पार्टनर आ रहा है, व्हेन ए न्यू पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल देन द नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल इज डन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ क्या होता है। सर अगर नया पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा जो है वो कैश में लेके नहीं आएगा तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाएगा जो होगा पार्टनर करंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, वहां से उसका जो ट्रीटमेंट कर देंगे। तो बेसिकली
कैपिटल अकाउंट जो है वो उसके वो जो ट्रीटमेंट होगा वो कहां से होगा, कैपिटल अकाउंट से होगा। और कौन सा कैपिटल अकाउंट खुलेगा, पार्टनर करंट अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा वहां पे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये सेकंड। अब यहां पे अगर करंट अकाउंट होता तो आप करंट अकाउंट ऑप्शन करते, लेकिन यहां पे देखे गुडविल अकाउंट नहीं, ये नहीं होता, बैलेंस शीट से भी नहीं करते, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से नहीं करते, कहां से करते हो, कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर। और वो कौन सा होगा, एंड करंट अकाउंट रेज। कैपिटल अकाउंट से आप उसकी एंट्री करोगे और क्या करोगे, करंट अकाउंट को रेज किया जाएगा। एंट्री क्या होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन देयर कौन से रेशियो में, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बात ध्यान रखना कि ये जो एडजस्टमेंट की जाएगी वो किसमें किया जाएगा, वो किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहां पे टाइप ऑफ कॉस्टिंग दे रखा है और डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उनको जो है वो आपस में क्या करना है, मैचिंग करना है। सबसे पहला मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर बात करता हूं मार्जिन कॉस्टिंग का, तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग ये बोलता है कि अगर आप प्रोडक्शन को एक एक्स यूनिट से क्या करोगे, इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, तो आपके टोटल कॉस्ट में जो फर्क आएगा वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। द अमाउंट ऑफ एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विद द एग्रीगेट कॉस्ट, बोले तो टोटल कॉस्ट, आर चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज बाय वन यूनिट। तो अगर आप लोग जो है वो आउटपुट को जो है वो एक यूनिट से क्या करते हो, इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, तो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं मार्जिन। तो ए का हो गया आपका। सेकंड एबीसी, एबीसी जो है वो क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो इसको हम यूज करते हैं। इट इज ए कॉस्टिंग सिस्टम जहां पे कॉस्ट बीइंग ट्रेस ऑफ एक्टिविटी एंड देन टू प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। तो कॉस्ट को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटीज, इसको बोलते हैं क्या, एबीसी। फिर टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली यहां पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एक इंटीग्रेट अप्रोच है जिसमें हम जो है वो क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे पहले प्रोडक्ट के फीचर, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड डिजाइन, जो हेल्प करते हैं एंश्योर करने की कंपनी को कि अर्न रीजनेबल प्रॉफिट ऑन न्यू प्रोडक्ट, उसके लिए आएगा टारगेट कॉस्टिंग। कौन सा, टारगेट। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, टारगेट कॉस्टिंग में सबसे पहले हम लोग यहां पे प्राइस डिसाइड कर लेंगे और उसके बेस पर हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर अपने को उसके अंदर क्या करने हैं, इनकॉर्पोरेट करने हैं। और लास्ट में जो है वो कौन सा है, वो है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो टेक्निक है उसमें क्या है, इसमें हम लोग जो है वो एक जैसे आइडेंटिकल गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उन गुड्स का जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, एक सीरीज ऑफ प्रोडक्शन होगा उसके थ्रू हम करेंगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होगा, इट इज यूज्ड व्हेन आइडेंटिकल यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ प्रोडक्शन स्टेप। ओके, तो आंसर जो बनेगा सेवंथ का वो क्या बनेगा, फर्स्ट। चलो जी एट्थ, एट्थ क्वेश्चन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो है ओल्टमैन का। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, जो सिख इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, तो अगर आपको जो है वो देखना हो कि कोई इंडस्ट्री सिख है या नहीं है, तो उसके लिए ओल्टमैन ने जो है 1966 के अंदर जो है वो एक जेड स्कोर फॉर्मूला दिया था और उसके अंदर उसने पांच रेशियो बताई थी और उन पांच रेशियो का उसने मैग्नीट्यूड बताया था। ओके, और उसने फिर उनके बेस पर कुछ जो है वो डिसीजन दिया था। तो यहां पर बोल रहा है अरेंज करो फॉलोइंग रेशियोज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस इन द प्रिडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, आपको यह बताना है। अब देखो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, देखो ओल्टमैन जेड स्कोर फॉर्मूला जो है वो था किसके लिए, पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए, which is built out of the five weighted financial ratio, जो बना था किसके बेस पर, पांच financial ratios के बेस पर, और उनको क्या दिया गया, weight दिया गया था, ठीक है। अब Z score formula जो है वो पांच ratio के बेस पर बना, वो ये है, देखो सबसे पहला Z score 1.2 into A, ये सीक्वेंस था, करेक्ट सीक्वेंस था ए बी सी डी ई। ओके, तो ये जो पहला आपका जो रेशियो था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसको जो है वो क्या दिया गया, ए नाम दिया गया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1.2, बी को 1.4, सी का 3.3, डी का 0.6 और ई का 0.1 इंटू ई कर दिया। तो ये अगर अब जब आप ऐसे करते हो ना, तो ये निकलता है आपका जेड स्कोर। ओके, अब जब आप ऐसे करोगे, अब देखो सबसे ज्यादा यहां पर जो है वो वेटेज किसको मिले, सर सी को वेटेज मिला, सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिला, सी को, पहले सबसे ज्यादा वेटेज सी को मिला, उसके बाद जो है वो उससे थोड़ी सी कम वेटेज जो है वो मिली है किसको, बी को मिला, सेकंड नंबर पे बी को मिला, उससे कम वेटेज जो है वो किसको, ए को मिला, उससे कम वेटेज जो है वो मिला है किसको, ई को मिला, और उससे कम वेटेज मिला किसको, डी को मिला, ठीक है। तो यहां पे इस आपने वेट निकाल लिया। अब क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, इन फाइनेंशियल रेशियोज को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में करना है। तो ये तो हमने देख लिया भाई किस किस को कितना कितना वेटेज मिला, अब बढ़ते क्रम में करना तो उसका उल्टा कर दो। तो सबसे ज्यादा वेटेज जिसको मिला वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा वेटेज मिला इंक्रीजिंग। तो ये उतना एक एक के बाद, दो दो के बाद, तीन तीन के बाद, चार, ऐसे हमने कर लिया। तो सबसे कम वेटेज जो मिला डी को, तो सबसे पहले डी, उससे थोड़ा ज्यादा वेटेज मिला ई को, फिर आएगा ई, उससे ज्यादा वेटेज मिला ए को, फिर आएगा ए, जैसे डी को मिला वेटेज 0.6, फिर ई को जो वेटेज मिला है वो 1.0, ए को जो वेटेज मिला 1.2, बी को जो वेटेज मिला है वो 1.4, और सी को जो वेटेज मिला 3.2।
3। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब इसके ये दोबारा भी क्वेश्चन आप पूछ रहे तो उसके लिए मैंने यहां पे कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ और बात है मैं बता देता हूं। जितना ये स्कोर क्या रहेगा, कम रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ओल्टमैन का जेड स्कोर फॉर्मूला जो है ये लगा के जितना आपका स्कोर जो है वो क्या आएगा, कम आएगा। जितना स्कोर आपका क्या होगा, कम होगा, तो हायर द ओल्ट तो उतने ज्यादा चांसेस होंगे कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो सकती है, कंपनी दिवालिया हो सकती है। तो बेसिकली ओल्टमैन का ये जो जेड फॉर्मूला है वो है ही इसीलिए ये देखने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्री कितनी सिक है या कौन सी कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो सकती है। तो बोलता है लोअर द स्कोर, जितने स्कोर क्या रहेगा, कम रहेगा, हायर द ओड्स उतने हायर चांसेस हैं आर दैट ए कंपनी इज हेडिंग फॉर बैंकक्रप्टसी। अब 1.2 अगर आपका किसी कंपनी का स्कोर निकाला और वो 1.8 से कम आया, ओल्टमैन स्कोर लोअर देन 1.8, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी इज ऑन द वे फॉर द बैंकक्रप्टसी, कंपनी जो दिवालिया हो सकती है। अगर आपका स्कोर जो है वो क्या अबव 3 है तो फिर अनलाइकली चांसेस है कि कंपनी बैंकक्रप्ट हो, मतलब कंपनी ठीक है फिर भी। और स्कोर इन बिटवीन 1.8 से 3, 1.803 के बीच में जो स्कोर होता है ना, तो वो ग्रे एरिया है जहां पे थोड़ा सा संशय बना रहेगा, क्या पता दिवालिया हो भी जाए और क्या पता दिवालिया ना भी हो। ओके, तो ये थोड़ा सा लर्न कर लेना कि 1.8 का से कम है, 1.8 से तो मोर लाइकली चांसेस है कि कंपनी दिवालिया होगी, 1.3 से ऊपर है तो फिर कम चांसेस है, और 1.8 और 3 के बीच में तो संशय बना रहेगा, थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन रहेगा। ओके, तो और ना ये देख लेना एक बार किस किस को कितना वेटेज है। तो ये रेशियो जो है इसको 1.2 वेटेज है, रिटेन अर्निंग वाले को 1.4 है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट वाले को 3.3 है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन बुक वैल्यू ऑफ द डेट इसको जो है वो वेटेज कितना है, 0.6 है, और सेल अपॉन टोटल एसेट जो है इसको कितना है आपका 1 जो है वो वेट जो है वो दिया गया। तो ये वेट थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। ओके जी, चलो इसका जो आंसर था ना करेक्ट आंसर 8 का वो है आपका फर्स्ट। चलो जी नेक्स्ट, द पर्पस और एम ऑफ द स्टॉक स्प्लिट, जब आप शेयर्स को हजार रुपए का एक शेयर था उसको अगर आपने जो है वो 100-100 रुपए के जो है वो 10 शेयर बना दिए, इसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट करना। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, मेन पर्पस जो है वो क्या होता है। तो स्टॉक स्प्लिट का मेन पर्पस नंबर ऑफ शेयर को इंक्रीज करना नहीं सर, ये हमारा पर्पस थोड़ी है। हमारा पर्पस क्या, रिड्यूस द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को क्या करना, कम करना, बिल्कुल। अरेस्ट शेयर प्राइस डिक्लाइन, हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं क्या करने का, शेयर प्राइस को डिक्लाइन करने का, मतलब हम ये चाहते हैं नहीं, हम तो ये कंपनी हमेशा ये कोशिश करती है कि उसका शेयर प्राइस बढ़े, ठीक है ना, तो ये नहीं है। एनकरेज वाइडर पब्लिक ओनरशिप, बिल्कुल सही बात है, हमारा जो मेन एम होता है वो क्या, हम वाइडर पब्लिक को क्या करना चाहते हैं, एनकरेज करना चाहते हैं कि वो भी हमारे शेयर्स में ट्रेडिंग करे। जितना बड़ा शेयर होगा उतना कम लोग उसके अंदर घुसते हैं, और जितना छोटा शेयर होगा उतना ज्यादा लोग उसके अंदर क्या होंगे, एंटर करेंगे। एंड रिड्यूस द इंपैक्ट कॉस्ट, नहीं ये भी इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी एंड डी, ये हमारे दो जो है मेन एम होते हैं क्या करने के लिए, मतलब वाइडर पब्लिक को एनकरेज करना, बेसिकली हम लोग जो है उसकी ट्रेडिंग को क्या करना चाहते हैं, उन शेयर में ट्रेडिंग को इंक्रीज करवाना चाहते हैं, मार्केटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और यहां पे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर, अपना जो मार्केट प्राइस पर शेयर है उसको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके अंदर क्या हो, एंटर हो। ठीक है, तो 9th का हो गया सेकंड। आगे 10th, ब्रेक इवन पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड विद द चेंज ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ब्रेक इवन पॉइंट जो कौन सा था पहले ये बताओ, जहां पे आपका जो है सेल प्राइस जो है वो बराबर होगा किसके, कॉस्ट के, तो वो ब्रेक इवन, मतलब जहां पे बेसिकली जो है वो क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। ओके, तो बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट जो है इनमें से किस, कौन सी ऐसी चीज जिससे अफेक्टेड नहीं होगा, अगर किसी चीज इनमें से चार चीजें देखिए, अगर उनमें अगर आप चेंज करोगे तो उससे ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पहला, सेल प्राइस पर यूनिट, क्या सेल प्राइस से इंपैक्ट पड़ेगा, अगर सेल प्राइस बढ़ेगा तो फिर भाई प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहां से इंपैक्ट पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट से इंपैक्ट पड़ेगा, जी बिल्कुल पड़ेगा। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट बेची है, क्या उससे इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं सर इससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट से इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी, टोटल कॉस्ट के अंदर आपके दोनों एलिमेंट होंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी होगा और उसके अंदर आपका फिक्स कॉस्ट भी होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो किससे अफेक्टेड नहीं होगा, तो वो होगा आपका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। आगे आइएगा, आंसर द करेक्ट मटेरियल यूसेज वेरियंस। मटेरियल यूसेज वेरियंस जो आपको बताना है, यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखा है, ठीक है, 1000 यूनिट को अगर आपने प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको 400 किलो मटेरियल लगेगा, कितने के हिसाब से, 2.5 रुपए। तो ये है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको जो है वो प्रोवाइड कर रखी है कि अगर 1000 यूनिट को आप मैन्युफैक्चर करते हो तो उसके लिए आपको 400 किलो मटेरियल जो है वो लगाना पड़ेगा और 2.5 रुपए उसकी कॉस्ट आएगी। और अगर व्हेन 2000 यूनिटों को प्रोड्यूस किया गया तो ये पाया गया और एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ, 2000 का, तो ये है जी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन। तो जब एक्चुअल प्रोडक्शन 2000 यूनिट का हुआ तो ये पाया गया कि वहां पे जो अपना मटेरियल लगा वो लगा 825 किलो,
कितना लगा? 825 किलो मटेरियल लगा और 2.7 पर केजी के हिसाब से लगा। तो इसके बेस पर आपको बताना है मटेरियल यूसेज वेरियंस। आपको मालूम होगा मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यस। और एक और फॉर्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरियंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरियंस। ओके जी, अब मटेरियल प्राइस वेरियंस कैसे निकलता है? वैसे तो निकाल रहा हूं यूसेज है, मैं पहले यूसेज ही दिखा दूं। अब यहां देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो बता रखी थी 1000 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 400 किलो, और अब 2000 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होगा, तो वो होगी 800 किलो। और मटेरियल यूसेज वेरियंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 2.5 रुपए। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी बोलो? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो थी हमारी 800 माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी लगी कितनी है? 825। तो क्या 25 क्वांटिटी आपकी फालतू लग गई? जी, और वो लगी कितने? 2.5 के हिसाब से। तो 25 इंटू में 2.5 करेंगे तो आंसर आएगा क्या? 62.5 माइनस का है तो वो क्या है? एडवर्स है। तो वैसे तो आंसर जो है वो क्या आ गया? 62.5 एडवर्स आ गया। 62.5 जो है वो क्या आ गया? एडवर्स आ गया। तो आंसर तो हो गया आपका 4th, लेकिन मैंने इसके अलावा और भी निकाल दिया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस। तो इसको मैंने निकाल लिया तो ये आ गया माइनस का 165। और मटेरियल कॉस्ट वेरियंस जो निकलता है वो कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ये आपको दे रखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट क्या है, कैसे निकलेगा? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में एक्चुअल प्राइस। कंप्यूट करोगे तो ये आएगा। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 165 और 62.5, इसको मैं जोड़ दूं तो ये वही तो आएगा 227.5। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, देख लेना एक बार, ठीक है? तो आंसर जो बनेगा इसका, मटेरियल यूसेज पूछा हुआ है और अगर मटेरियल कॉस्ट पूछता तो कितना आता? 227.5 रुपए एडवर्स, और अगर मटेरियल प्राइस पूछता तो 165 रुपए एडवर्स आता। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट, बोलता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट, उस कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो फंड फ्लो से रिलेटेड नहीं है? पहला, इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द टोटल सोर्स एंड एंड देयर यूसेज। बिल्कुल, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक तरफ आती है एप्लीकेशन और एक तरफ आएंगे उसके सोर्स, तो ये तो सही है, वैलिड है। दूसरा, डिविडेंड रिसीव सोर्स है, हाँ जी डिविडेंड रिसीव होगा तो सोर्स है। दूसरा, इट्स प्रिपरेशन इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये जो बनाया जाता है मैनेजमेंट के डिसीजन के बेस पर बनाया जाता है, यस। इट इज यूजफुल फॉर द एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या ये एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होते हैं? नो, तो ये इसका जो है वो वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली इसको बनाती है, ना कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना? तो 12 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 4। चलो भाई आगे, रिटर्न प्लान कंटेनिंग द डिटेल रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट, एक ऑडिट आपने करनी है उसके लिए आपने एक प्लान बना लिया, उसको क्या बोलते हैं? उस प्लान को बेसिकली बोला जाता है क्या? ऑडिट प्रोग्राम। ये हमने पढ़ा अभी तक, ऑडिट प्रोग्राम। चलो जी आगे, प्रेफरेंस शेयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर प्रेफरेंस शेयर जो आप इशू करते हो तो उसका मैक्सिमम पीरियड जो है वो कितना है? वो है आपका 20 साल। कितना? 20 साल, हमने पढ़ा भी था ये। आगे, द करंट मार्केट वैल्यू है एक शेयर की दे रखी है कितना? 80। तो ये आपका क्या है? एमपीएस। तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो दे रखे कितना? 80, ठीक है। डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एक्सपेक्टेड ईयर फ्रॉम नाउ इज 4। एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो दे रखे कितना? 4 रुपए। एक मिनट रुको, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो दे रखा कितना? 4 रुपए। 4 रुपए आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, तो मतलब इसको बोलते हैं D1। ओके, एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो, और फिर ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर में जो ग्रोथ रेट रहेगा वो रहेगा कितना? 10% का। ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट जो दे रखा है न्यू इशू का वो है कितना? 8%। ये है इसका फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इसके वजह से बताना है कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी जो है वो क्या आएगा। तो न्यू इक्विटी की जो कॉस्ट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है सीएमपी डिविडेंड अपॉन में नेट प्रोसिट इंटू में 100+ में ग्रोथ। तो हमने ये निकाल दिया, डिविडेंड कितना दे रखा है? 4। नेट प्रोसीड कैसे निकलता है? नेट प्रोसीड निकलेगा करंट मार्केट प्राइस में से अगर आप माइनस करोगे फ्लोटेशन कॉस्ट को। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 80, और फ्लोटेशन कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी आ रही है? सर फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 8% है, तो 80 का 8% कितना हो गया? 6.4। तो नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा? 80 में से माइनस करो 6.4, तो ये आ गया आपका कितना? 80 में से 73.6। ओके, तो कैसे निकालोगे? 4 अपॉन में 73.6 इंटू में 100 करोगे, प्लस में 10% करोगे, तो ये आंसर आएगा कितना? 15.43। तो ये आपका जो अपने बुक के अंदर था ना, जो हमने रेशियोस पढ़े थे, तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था पांचवा कॉस्ट इक्विटी का जो पांचवा पार्ट था, वो वहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, देख लेना एक बार आंसर क्या, 15.43%। ओके जी सर, चलो जी आगे,
नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द राइट ऑप्शन विद रेफरेंस टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग आपको जो है कुछ बातें बोली गई हैं और आपको बताने में से कौन सी बात सही है। पहला हायर नेट वर्किंग कैपिटल लेट्स टू, ध्यान देना, हायर नेट वर्किंग कैपिटल लेट्स टू हायर लिक्विडिटी। जितना वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी, ये तो बात सही है। जितना वर्किंग कैपिटल ज्यादा उतना लिक्विडिटी ज्यादा। एंड द हायर प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं सर, वर्किंग कैपिटल जो है उसके अंदर मेन चीज क्या है, करंट एसेट है। और करंट एसेट जो है वो क्या होती है, वो है एनवीए, नॉन वैल्यू एडेड एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो जितना करंट आप ज्यादा वर्किंग कैपिटल अपने पास मेंटेन करोगे उतना प्रॉफिटेबिलिटी आपका कम होगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा अकॉर्डिंग टू हेजिंग, हेजिंग अप्रोच के हिसाब से क्या होता है, जो करंट एसेट है उसको फाइनेंस करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स से, नहीं सर, हेजिंग के हिसाब से करंट एसेट को फाइनेंस करेंगे शॉर्ट टर्म से और फिक्स एसेट को फाइनेंस करेंगे लॉन्ग टर्म से, ये भी गलत हो गया। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द फर्म एंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या ऐसा होता है क्या सर, इनवर्स रिलेशन नहीं है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये क्या बोल रहे हैं, इनवर्स रिलेशन है किसमें, लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, जितना ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा लंबा होगा उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये बोल रहा है इनवर्स है, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल लंबा और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, नहीं सर ऐसा नहीं होता, ये भी क्या गलत है, क्योंकि जितना ऑपरेटिंग साइकिल क्या रहेगा, ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, उतना वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उतना ज्यादा टाइम के लिए हमारा जो पैसा है वो फंसा रहेगा बिजनेस के अंदर। आगे ट्रेड ऑफ प्लान जो है वो क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट कंसीडर एज एन एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फॉर द वर्किंग कैपिटल। हां ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। और ट्रेड ऑफ प्लान क्या बोलता है कि जो आपका वर्किंग कैपिटल है तो उसमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करेंगे कहां से, बोलो, जो मैचिंग अप्रोच है बेसिकली, तो बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करेंगे कहां से, लॉन्ग टर्म से, और जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है उसको मैच्योर करेंगे कहां से, शॉर्ट टर्म से। और ट्रेड ऑफ मेंटेन करके चलेंगे कि वर्किंग कैपिटल जो है ना तो वो ज्यादा हो रहा ही क्या हो, कम हो, ना तो ज्यादा हो कि बेफालतू में पैसा वेस्ट हो जाए, ठीक है, मतलब कुछ कमाई भी, और ना ही वो कम हो, कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर वर्किंग कैपिटल का पैसा जो है वो क्या है, कम पड़ गया तो लिक्विडिटी क्रंच आ सकते हैं। ओके, तो अपने को क्या करना है, ट्रेड ऑफ मेंटेन करके चलना है। ओके जी, चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ द प्रूडेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। प्रूडेंट कौन सा होता है, प्रूडेंट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो भी फ्यूचर में मिलने वाली इनकम है, ठीक है, उनको तो तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो रिलाइज हो जाएंगे, और फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस का रिकॉर्डिंग आज ही कर लेंगे। पहला बोलते हैं इनमें से कौन सा, मतलब आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो प्रूडेंट जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है। पहला, इट इंक्लूड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन द अकाउंट व्हेन दे आर रिलाइज। इसके अंदर जो है हम क्या, अगर हम प्रूडेंट के बेस पर हैं तो हम जो है वो रेवेन्यू को प्रॉफिट को जो है वो अकाउंट करेंगे, उनका रिकॉर्डिंग करेंगे जब वो एक्चुअल में रिलाइज होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, ये आएगा। इट प्रिवेंट प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग ओवरस्टेट, बिल्कुल, अगर आप प्रूडेंट के हिसाब से चलोगे तो प्रॉफिट को आप ओवरस्टेट करके नहीं दिखा सकते, यस। इट प्रिवेंटेड ट्रेडर फ्रॉम मोर विड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस देन इन वैल्यू। ये जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है ट्रेडर को कि आप जो है वो ज्यादा विड्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक रिलाइज नहीं होगा उससे पहले आप जो है वो विड्रो नहीं करेंगे, सही है। मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज के लिए, ये प्रूडेंस की, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है क्या, नो। गुड कस्टमर रिलेशन बनेंगे अगर आप प्रूडेंस को फॉलो करोगे, नो, वो तो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी एंड सी, ए बी सी बोले तो फोर्थ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन चॉइस आर वैलिड इन रिलेशन टू मार्जिनल कॉस्टिंग। इनमें से कौन सी डिसीजन चॉइस है जो सही है किससे, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इनमें से कौन सा डिसीजन, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर जब आप डिसीजन लेते हो तो ये बताना है कि कौन कौन से अप्रोचेस जो है उसके ऊपर फॉलो होती है। पहला, कॉस्टिंग स्पेशल और वन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आपको स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो है वो क्या करना है, अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेते हो ऑन द बेस ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि वहां पे आप ये देखते हो कि एक अगर काम करेंगे तो खर्चा कितना आएगा, नहीं करेंगे तो क्या आएगा, तो ये ओके है। डिसाइडिंग वेदर टू मेक और बाय, बिल्कुल सही बात है, जब मेक और बाय डिसीजन लेते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर लेते हैं, हम सिर्फ उन्हीं खर्चों को ऐड करते हैं जो एक्स्ट्रा खर्चे आएंगे अगर हम सामान को क्या करेंगे, बनाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद में फिर आगे जो है वो क्या है, मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मोर ऑटोमेशन इन द इंडस्ट्री। क्या इसका मार्जिनल कॉस्टिंग का ऑटोमेशन रिलेटेड है क्या, नो सर। चूजिंग बिटवीन कंपीटिंग अल्टरनेटिव एक्शन, बिल्कुल, अगर आपको जो है वो क्या करना है, अल्टरनेटिव एक्शन में से जो है वो क्या करना है, सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये देखना है बेसिकली कि कौन सा काम हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा, तो वहां पे आप डिसीजन लेते हो ऑन द बेस ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर एम्प्लॉइंग ए पेनिट्रेशन और डेस्ट्रॉय प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अगर आपको जो है वो क्या करना हो, एम्प्लॉय करना हो, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी अगर लगानी है, रेट को आपको कम करना है या रेट को आपको बढ़ाना है, तो वो डिसीजन आप लेते हो ऑन द बेस ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आंसर क्या आएगा, ए बी डी एंड ई, ए बी डी बोलते हो फर्स्ट। आगे मैचिंग करना चाहिए आपको, इंडेक्स 1, 12, 24, 38 दे रखा है। इंडेक्स 1 जो है वो किससे रिलेटेड है, इंडेक्स 1 बोलता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडेक्स नंबर 12 जो है वो है क्या, इंटेंजिबल एसेट का। इंडेक्स नंबर 24 जो है वो है किसका आपका, एक मिनट, इंडेक्स नंबर जो 12 है वो है इनकम टैक्स का।
इंडेक्स नंबर 24 जो है वो है किसका सर, इंडेक्स नंबर 24 से रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, और 38 है किसका, इंटेंजिबल एसेट का। तो आंसर आएगा इसका सेकंड। आगे बोलते हैं व्हाट विल बी द ह्यूमन, व्हाट विल बी द सीक्वेंस और स्टेप इन्वॉल्व्ड इन नेट बेनिफिट मॉडल। जो आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, हमने नेट बेनिफिट मॉडल पढ़ा था, तो उसका क्या सीक्वेंस है सर? उसका सीक्वेंस ये, सबसे पहले ये देखो कि कितना अपने को जो मतलब जो नेट बेनिफिट मॉडल है वो ये बोलता है ना कि अपने को एक ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम लगाते हैं तो उससे अपने को कितना फायदा होगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है। यस, तो कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होता है, वो ये देखते हैं हम यहां पे क्या एम्प्लॉय से क्या कुछ कमाएंगे हम। तो सबसे पहला ग्रोस वैल्यू ऑफ द सर्विस टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर बाय द एम्प्लॉय इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज देयर कलेक्टिव कैपेसिटी इज डिटरमाइन। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, ए। जब आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि एम्प्लॉय से क्या कमाएंगे, फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे उसको कितनी पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, उसमें से माइनस करते हैं, ए माइनस में डी आ गया। उसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या सर, उसको बोलते हैं क्या, नेट बेनिफिट। ठीक है, वो आएगा एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स ओवर द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। तो ये आ गया नेट बेनिफिट। अब ये जो नेट बेनिफिट आपके पास में निकल के आया, अब आप इसको क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आएगा सी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट बेनिफिट डिटरमाइन बाय अप्लाइंग प्री डिटरमाइंड डिस्काउंटेड। और उसके बाद में जो है वो क्या होगा, एट द एंड में आप लोग जो है वो क्या करोगे, अमाउंट निकालोगे किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। तो लास्ट में आएगा ई, द अमाउंट कैलकुलेट अंडर सी विल बी वैल्यू ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, ए डी बी सी ई, ए डी बी सी ई जो है वो हो गया जी आपका फर्स्ट। कर लोगे क्या, बोलो, सिंपल सा तो है। क्या क्या किया हमने, नेट बेनिफिट मॉडल जो था उसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स को लगाएंगे उससे अपने को क्या मिलेगा, माइनस के उसको क्या पेमेंट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस जो आ गया उससे मिलेगा 100 रुपया, देना पड़ेगा 80 रुपया। तो जो नेट मिला वो है नेट बेनिफिट कितना आ गया, 20। उसको मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, वो आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट, और फिर वो जो आएगा अब उसको आप लोग जो है वो आपका वैल्यू निकल गया इसका, ह्यूमन रिसोर्स का। तो ये हो गया आपका ए डी बी सी ई करेक्ट सीक्वेंस। चलो भैया आगे, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है मार्केटिंग मैनेजर, ध्यान देना, मार्केटिंग मैनेजर मस्ट कैलकुलेट कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू ऑफ देयर कस्टमर बेस टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉफिट इंप्लीकेशन। जो मार्केटिंग मैनेजर जो है उनको वो कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू ऑफ देयर कस्टमर बेस टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉफिट इंप्लीकेशन। बिल्कुल सही बात है, मार्केटिंग मैनेजर यही देखते हैं कि अगर एक कस्टमर हमारे पास में आया तो वो कितने समय तक हमारे साथ में जो है वो बन के रहेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग ना वो कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू हम कंप्यूट करते हैं, कस्टमर लाइफ साइकिल जो होती है ना उसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक अकाउंटिंग टेक्निक है जो यूजफुल है फॉर कंडक्टिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए। ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एबीसी के बेस पर हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि एक्टिविटी के बेस पर हम जो है वो कॉस्ट को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। तो कस्टमर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एबीसी। तो आंसर क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वाज सजेस्टेड बाय द ब्रमर्ट फ्लेमोट स्पाइली। कौन सी ऐसी अप्रोच थी सर, सबसे पहली अप्रोच थी हमारी कौन सा, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। तो वो दिया था किसने, ब्रमर्ट फ्लेमोट एंड स्पाइली ने। आगे प्रॉफिट जो है, एक प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट बता रखे कितना, 50,000। ठीक है जी, शगुन एक पार्टनर था उसको रिसीव हुई सैलरी 4,000 का, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा टू सैलरी टू शगुन। शगुन जो पार्टनर है कितना मिला, 4,000। उसको इंटरेस्ट भी मिला 10% पर एनएम के हिसाब से, उसकी कैपिटल थी 1,00,000। तो 1,00,000 का 10% कितना हो गया सर, 10,000। शगुन को इंटरेस्ट मिल गया कितना, 10,000 का। फिर उसके बाद में आमिर एक अदर दूसरा पार्टनर था उसको भी सेम जो है वो इंटरेस्ट मिला 10% की रेट से, और उसकी कैपिटल थी 89,000। तो 89,000 का जो है 10% कितना हो गया, 8,900। देश है प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, और जो बाकी बचा वो तो प्रॉफिट का प्रॉफिट बच गया ना, अब वो उसको आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इनको काटने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो था 27,100, उनको आपस में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 13,500 कर लिया। अब व्हाट विल बी द टोटल शेयर ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिट टू द आमिर करंट अकाउंट। अब आपको यहां पे ये बताना है कि कितना पैसा आमिर के करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। अब ये बताओ आमिर को क्या क्या मिला सर, आमिर को मिली 2 चीजें, एक तो मिला उसको क्या, एक तो मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये, और एक उसको मिल गया क्या 13,000 27,100 में से उसको मिला 13,500 ये। तो ये दोनों को आप जोड़ दो तो 22,450 रुपया जो टोटल मिलेगा किसको, आमिर को। तो आंसर आएगा 22,250। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 जो है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 जो है वो है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर। 28 नंबर जो है वो है किसका, वो है आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। और 34 जो है वो किसका, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो आंसर जो बना 24 का वो क्या बना, 2।
आगे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहला असर्शन है देयर इज अ चेंज इन द पीएसआर ऑफ ओल्ड पार्टनर व्हेन अ न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द पार्टनर। बिल्कुल सही बात है, जब एक नया पार्टनर जो है वो फर्म के अंदर आएगा, जब एक नया पार्टनर फर्म में आए तो जो ओल्ड प्रोफिशिएंट रेशियो है वो चेंज हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स का। बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब एक नया पार्टनर आएगा, एडमिट होता है ना फर्म के अंदर, तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो कम हो जाता है। रीजन दे रखा है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर अ सर्टेन शेयर ऑफ प्रॉफिट द कंबाइंड शेयर जो होता है ना ओल्ड पार्टनर का वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है। तो दोनों बातें क्या है? सही है। और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको? असर्शन को। तो आंसर बनेगा फर्स्ट। चलो जी नेक्स्ट। गिवन बिलो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज गिवन बिलो, आपको ये दे रखा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको जो हो बता रखा है कितना? 1,00,000 है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितना? 1,00,000 रुपए की शेयर कैपिटल है, उसका 10% उसका डिविडेंड आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,00,000। टैक्स है 50% का। इनमें से बताना है कि ईपीएस क्या होगा। तो ईपीएस कैसे निकलेगा? सबसे पहले अर्निंग बिफोर टैक्स दे रखा है कितना? 1,00,000 जी। अब इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप लोग जो है माइनस कर लो टैक्स को, 50% टैक्स माइनस कर दिया तो आ गया 50,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा? 50। माइनस करो प्रेफरेंस का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी? 1,00,000। 1,00,000 का 10% जो है वो आ गया, वो कितना आ गया? 10,000। करने के बाद जो आएगा अर्निंग फॉर इक्विटी वो कितनी है? 40,000। ये अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया। इस अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 10,000। तो आएगा मेरा ईपीएस, ईपीएस कितना आ गया? 4 रुपया। अर्निंग पर शेयर कितना आ गया? 4 रुपया। ओके, तो आंसर आएगा सेकंड। आगे यहां पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। आपके ऑडिटर से रिलेटेड जो है कुछ सेक्शन है उनको आपको जो है मैचिंग करना है। सबसे पहले है आपका अपॉइंटमेंट, ध्यान देना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो है बाय सीएजी, वो सेक्शन 135(5) में। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन जो है ऑडिटर का वो दे रखा है कहां? सेक्शन 141 में। पावर एंड ड्यूटीज ऑडिटर का 143 में, रेमुनरेशन ऑडिटर का 142 में। तो इसका आएगा थर्ड, सिंपल सा है, देख लेना एक बार। The examination of the, examine करना किसको? documentary evidence in support of transaction, कोई भी transaction हुई है उससे related को documents है, ठीक है? document जो documentary evidence होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? voucher basically, क्या बोलते हैं? voucher, उनको क्या करना? examine करना, उसको क्या बोलते हैं? sir उसको बोलते हैं हम लोग क्या? vouching, क्या बोलते हैं? vouching। कितना simple question है। चलो जी आगे। The potential that a firm consolidated financial statement are affected as a result of change in the exchange rate, उसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा potential है कि firm की, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, the potential that the firm consolidated financial statement, firm के जो financial statements है वो affect होंगे अगर क्या होगा, change होगा in the exchange rate में। तो वो क्या है? वो है आपका transaction exposure। चलो जी आगे। ए फर्म इज एक्सपोज टू ट्रांसलेशन लॉस, एक फर्म जो है वो एक्सपोज है ट्रांसलेशन लॉस से इफ इट यूज द करंट एक्सचेंज रेट। अगर फर्म जो है वो हिस्टोरिकल की जगह करंट एक्सचेंज रेट को यूज करती है ना, तो एक्सचेंज रेट क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, जिसके हिसाब से आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी क्या होती रहेंगी? चेंज होती रहेंगे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेथड इन यूजिंग द ट्रांसलेटिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी, तो जब आप ट्रांसलेट करते हो एसेट एंड लाइबिलिटी को करंट वैल्यू के ऊपर, ठीक है, तो कौन कौन से मेथड है? तो ये लर्न कर लेना, ये 4 मेथड है। करंट और नॉन करंट मेथड है, टेम्पोरल मेथड है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड एंड द करंट रेट मेथड। इन 4 मेथड को हम लोग जो वो क्या करते हैं? यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो आंसर जो बनेगा 30 का वो क्या बनेगा? थर्ड। आगे अरेंज द फॉलोइंग इन द वाइंड अप, जब भी वाइंड अप होता है एक कंपनी का, वाइंड अप होगा ट्रिब्यूनल के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, तो उसको आपको जो है वो क्या करना है? एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अंदर आपको बताना है। सबसे पहले क्या होगा? जब भी वाइंड अप होगा कोर्ट के द्वारा, तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा? पेटिशन फाइल करना पड़ेगा वाइंड अप के लिए कोर्ट में। हाँ जी, करेंगे। पेटिशन फाइल करने के बाद में अब जो है वो क्या होगा? अब कोर्ट जो है वो क्या करेगा? एक कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देगा, यस। फिर लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया, वो सब काम करेगा। उसके बाद लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट जो है वो क्या करेगा? कोर्ट को सबमिट करेगा, यस। सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट बाय द कंपनी लिक्विडेटर। इसके बाद में अब जो है वो क्या होगा? फिर डायरेक्ट जो ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगा? डायरेक्शन देगा ऑन रिपोर्ट द कंपनी लिक्विडेटर, यस। और आखिरी में क्या होगा? सेटलमेंट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड एप्लीकेशन ऑफ द एसेट। ये सीक्वेंस हम लोग जो है वो क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। अभी पढ़ा भी था हमने रिसेंट में भी, थर्ड। आगे अर्निंग वैल्यूएशन रेशियो से देखिए और उनका फॉर्मूला आपको बताना है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकलता है? सर प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन में ईपीएस, एमपीएस अपॉन में ईपीएस। तो ये हो गया आपका ये स्टॉक प्राइस एमपीएस डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। अर्निंग यील्ड रेशियो, अर्निंग यील्ड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकलता है? वो निकलता है आपका अर्निंग यील्ड
यील्ड भी जब भी वर्ड आ जाता है तो यील्ड हमेशा निकलते किसके ऊपर, फेस वैल्यू पे, नहीं सर मार्केट वैल्यू पे। तो अर्निंग यील्ड निकालना है तो ईपीएस अपॉन में एमपीएस, और डिविडेंड यील्ड निकालना हो तो डीपीएस अपॉन में एमपीएस। तो अर्निंग यील्ड इज द अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय द स्टॉक प्राइस। ओके, बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो कैसे निकलेगा, बुक वैल्यू अपॉन मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू निकालना हो तो प्राइस बोल दो एमपीएस और अपॉन में क्या आएगा बुक वैल्यू पर शेयर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय द अकाउंटिंग नेटवर्थ, इसका आएगा फर्स्ट। और रिलेटिव पी रेशियो अगर निकालना हो तो रिलेटिव हम किससे करते हैं, इंडेक्स से। अगर मार्केट से हम अपने पी रेशियो को क्या करते हैं आपस में रिलेट करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव पी रेशियो। रिलेटिव पी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, फर्म पी रेशियो डिवाइडेड बाय इंडेक्स पी रेशियो, तो डी का आएगा सेकंड। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, फोर्थ। लो जी, ये हो गए आपके 32। और एक आखिरी क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रीजन फॉर मटेरियल यूसेज वेरियंस, इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है किसका, मटेरियल यूसेज वेरियंस। अगर आपकी कंपनी के अंदर मटेरियल यूसेज वेरियंस आ गया, अब यूसेज वेरियंस क्या होता है, जितना हमारा स्टैंडर्ड था उससे ज्यादा मटेरियल लग रहा है, मैंने लिखा जितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए थी उससे ज्यादा लगा, तो जितना स्टैंडर्ड मटेरियल आपका लगना चाहिए था अगर उससे ज्यादा लग रहा है उसके रीजन क्या है आपको ये बताना है। ये आपको दे रखे पांच रीजन है, इनमें से आपको जो है मुझे करेक्टली बताना है कि आपके हिसाब से जो है वो इनके मतलब मटेरियल यूसेज वेरियंस के जो है, और यूसेज वेरियंस कौन सा एडवर्स वेरियंस आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके क्या रीजन है वो आपको जो है कमेंट करके बताना है। यार तुम क्वेश्चन लगाते हो और कमेंट जो है वो नहीं करते हो, कमेंट जरूर किया करो ताकि पता तो चले कि आप मतलब ठीक है तुमको पता है तो तुम कमेंट करने में क्या जा रहे हो तुम्हारा, उससे क्या होगा थोड़ा सा मोटिवेशन आपका भी बढ़ेगा हमारा भी बढ़ेगा कि हमको पता चलेगा कि आपकी एंगेजमेंट कितनी है। सिर्फ क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको उसमें एंगेज भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपने अभी तक क्वेश्चन देखे होंगे, क्वेश्चन कितने सिंपल सिंपल आते हैं पेपर के अंदर, कुछ ज्यादा टफ नहीं आएगा, बस बात यह कि आपका कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। तो अगर आप कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तो अपने आप ही आंसर निकल के आता है, ये बात समझिएगा आप, ठीक है ना। तो जो भी बोल रहे हैं ना अगर आपको कि यार पेपर मुश्किल है या पेपर में पता नहीं क्या, एक आधा क्वेश्चन जो है वो होता है कि अलग से, जैसे वो ओल्टमैन वाला आ गया वो बिल्कुल हटके क्वेश्चन है, वो हमने सीए के अंदर पढ़ा हुआ है, बीकॉम बुकॉम में तो पढ़ते ही नहीं है हम लोग उस चीज को, लेकिन वो पूछ लिए क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा और वो फिर सबके लिए होगा, तो मेरिट में तो सभी आउट हो गए ना उस क्वेश्चन में तो। ओके, तो आपको बस ये ध्यान रखें जब कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो बहुत ही समझ के पढ़ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लिया तो आंसर अपने आप ही निकल के आ जाएगा उसका, क्वेश्चन खुद ही बता देगा भाई इसका ये आंसर है। ओके जी, चलो अकाउंट के अकाउंट एंड ऑडिटिंग यूनिट नंबर सेकंड के हमने क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अगला यूनिट हम उठाएंगे उसके क्वेश्चन को करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, अगर आप लोग जून के लिए जून 2023 में जो एंटीनेट का पेपर होना है या दिसंबर 2023 में जो एंटीनेट का पेपर होना है अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट कर दिया। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे पेपर नंबर 1 जनरल पेपर प्लस पेपर नंबर 2 कॉमर्स, और अगर आप मैनेजमेंट से तैयारी करें तो मैनेजमेंट की भी हम लोग जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं कोर्स 17 के। तो हमारा जो कोर्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको मिलेगा दोनों पेपर के वीडियो लेक्चर, YouTube पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो लेक्चर डाल रखे हैं आप उनको देख के जज कर सकते हैं। प्लस में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, 10 किताबें पेपर होंगी, 10 किताबें पेपर टू होगी, लाइक जैसे अभी कल हमने फाइनेंस किया तो ये फाइनेंस का बुक हो गया, अभी हमने अकाउंट्स के किया तो ये अकाउंट्स का बुक हो गया, ऐसे करके 10 किताबें पेपर 1 की मिलेंगी, 10 किताबें पेपर 2 का मिलेगा। प्लस में आपको रिवीजन वीडियो मिलेगा हर यूनिट का, और प्लस में मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यू। तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर है इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो अभी अकाउंट्स वाले क्वेश्चन को आप निपटा लीजिए ये करके, और फिर हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।